हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है हमारी, जो हमने पार्ट थ्री का हमने प्रोनंसिएशन तक देख लिया था। इसके बाद जो इसकी सेकंड पार्ट है, हम वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने आपको कहा था कि इसी में मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। पिछला जो पार्ट था वो 49 मिनट्स का चला गया था, तो उसके बाद का अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस का है। सिर्फ इसके अंदर प्रैक्टिस होगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि इसमें सिर्फ वो सिर्फ प्रैक्टिस है। वर्ड समझाए गए हैं, जो पहले मैंने समझा दिए थे उनकी प्रैक्टिस है उनके ऊपर ही। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको सिंपल क्या करना है, इसको चेक योर कंपैरिजन, सी हाउ सक्सेसफुली यू कैन मैच वर्ड्स एंड मीनिंग्स। आपको मैच करने हैं मीनिंग के साथ इन वर्ड्स को। सिंपल सिंपल यही है। फर्स्ट ये भी है और सेकेंड ये है, तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और स्टार्ट कर दो। ओके, स्टार्ट करें। एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस मैंने बताया था कि एम्बी का मीनिंग क्या होता है, बोथ। ओके, डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वली। ओके, डेक्स्ट्रस मीन्स राइट हैंड। ओके, डेक्स्ट्रस मीन्स राइट हैंड एंड एम्बी मीन्स बोथ। दो सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, दिस वर्ड इज ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वली स्किल। एक बंदा जो अपने दोनों हाथों का यूज एकदम एक समान जैसे कर सकता है। तो इसमें आपको देखना है इवोलो थ्रेटनिंग हेटिंग मैनकाइंड स्किलफुल ऑकवर्ड या कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड विद इक्वल स्किल। सो ए का हम कहेंगे, वन का हो गया हमारे पास ई। नेक्स्ट देखते हैं डेक्स्टस। डेक्स्टस अभी मैंने बता दिया क्या होता है। डेक्स्टस हम क्या बोलेंगे, एक मैंने आपको वहां बताया था, एक एडजेक्टिव बताया था और साथ ही मैंने उसकी आपको एक नाउन बताया था। तो डेक्स्टस जिसके साथ में ओ यू एस लग जाए, एक डेक्स्टस क्या था, एडजेक्टिव था। तो इसका मीनिंग क्या बना था, एक स्किल था, तो एडजेक्टिव का क्या बना था, स्किलफुल। तो हम कहेंगे सेकंड का हो गया हमारे सामने सी, सिंस्टर। यही था लैटिन वर्ड में हम जिसको लेफ्ट हैंड को बोलते हैं, और सिंस्टर का मतलब होता है ईवल और थ्रेटनिंग। ये हम देख चुके हैं। ओके, सिंस्टर का है ये। गोश, जो एक फ्रेंच वर्ड था, फ्रेंच वर्ड से सीधा ही हमने उठा लिया था, जिसका मतलब होता है ऑकवर्ड। हम कहेंगे फोर्थ का डी हो गया हमारे सामने। मिसएंथ्रोपिक, मिसएंथ्रोपिक मिस का मतलब यहाँ मिस एन, और एंथ्रोपिक मतलब मैनकाइंड, यानी नफरत करना, हेटिंग मैनकाइंड। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी। ओके, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस डेवलपमेंट, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। सो एंथ्रो मीन्स, एंथ्रो का मीनिंग था मैनकाइंड, एंथ्रो का मीनिंग था मैनकाइंड। ओके, लॉजी का मैंने आपको साथ में बताया था कि आपको जहाँ भी लॉजी दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे स्टडी की बात हो रही है। तो मैंने कहा था एंथ्रो मैनकाइंड की स्टडी। हम यहाँ देखना है सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, नहीं। हेटेड ऑफ वुमेन, नहीं। इलीगल प्योरिटी ऑफ मैरिज, नहीं। ओके, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ओ यही होगा। तो फर्स्ट का हमारे सामने हो गया डी। नेक्स्ट गायनेकोलॉजी या जेनेकोलॉजी, आप कुछ भी बोल सकते हो, जी से स्टार्ट कर सकते हो, जे जिनेकोलॉजी या गायनेकोलॉजी, जो भी आप चाहो वो बोल सकते हो, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट। सेकंड का जो गायनेकोलॉजी है, यानी जेने का मतलब, इसका मतलब होता है जेनेकोल, इसका मतलब होता है वुमेन। ओके, लॉजी यानी स्टडी। अब यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट। ओके, एलिमेंट एक वर्ड है। मैंने आपको एक मेरी एक वीडियो आई थी शायद, जो थर्ड वीडियो थी वर्ड ऑफन कन्फ्यूज के नाम से, उसके अंदर एलिमेंट और एलिमेंट के नाम से था। एलिमेंट का मतलब होता है बीमार। तो वो आपको वर्ड्स देखने हैं वहाँ से, काफ़ी सारे वर्ड्स जो होते हैं वो वहीं से मतलब कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। आप वहाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे और याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इंटरेस्टिंग भी हैं वहाँ। सो ये वर्ड वहां से एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि वो वाला वर्ड है एलिमेंट है, जिसका मतलब होता है बीमार। तो गायनेकोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ होप फीमेल एलिमेंट। ओके, मोनोगैमी, मोनो मीन्स वन और गैमी मीन्स मैरिज। एक मिसोगैमी देखा था ना, मिसोगैमी हु हेट दी मैरिज। तो मोनोगैमी, मोनो का मतलब एक हो गया और गैमी का मतलब हो गया मैरिज, तो एक शादी। सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, सो मोनोगैमी यानी थर्ड का हो गया हमारे सामने ए। बायगैमी, ओके, बायगैमी इज, बाय मीन्स टू, गैमी मीन्स ज़्यादा, बाय मीन्स ज़्यादा नहीं, गैमी का मीन हो गया शादी, बाय मीन टू और गैमी मीन शादी। ओके, इलीगल प्लोरिटी ऑफ मैरिज, सो क्योंकि एक बिना बताए शादी करना, मैंने मतलब बिना बिना तलाक दिए अपनी वाइफ को, उससे पहले मतलब शादी करना किसी और से, तो एक इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटी हम कहेंगे उसको।
मिसोगैनी। ओके, एक मिसो का मतलब फिर यही था, मिस का मतलब यहाँ पे हिट था, यहाँ पे भी हिट है, और जेने का मतलब हो गया वुमेन, तो यहाँ पे हो गया हेटेड ऑफ वुमेन। ओके क्लियर, दोनों क्लियर हो गए होंगे आई थिंक सो। आपने सभी ने अच्छे से किया होगा, अगर पहली वाली वीडियो से अच्छे से देखी है और उसे समझा है तो डेफिनेटली आप ये आसानी से कर पाए होंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, आपके सामने ऑप्शन दिए, जस्ट आपको मिलाना था वहाँ पे। एक तरीके से देखा जाए तो एक मीनिंग ही तो दिया हुआ है, एक प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, फिर से अगेन आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और ये दो एक्सरसाइज जो दिए हैं इनको वही सेम टू सेम मिलाना ही है। इन दोनों को आपको पॉज करना, वीडियो को पॉज करना, और आपको यहाँ पे आपको अक्षर जो मीनिंग है उनके साथ आपको मतलब मिलानी है वो चीज़ें। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलीगैमी, पॉली का मीनिंग मैंने आपको बताया था, पॉलीगन मैंने आपको बताया था, तो पॉलीगैमी, गैमी गैमी मीन्स शादी और पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी। ओके पॉलीगैमी यानी हम यहाँ पर देखते हैं डिवोशन टू ए लोनली एंड ऑस्टर लाइफ, नहीं ये नहीं हो सकता। स्किल क्लेवरनेस नहीं, कस्टम इन विच वन मैन हैज मैनी वाइफ्स, ये तो हमारे पास पहले का हो गया उसी। मिसोगैमी, मिसो मीन नफरत होगी हमारे सामने, गैमी मीन यानी हु हेट दी मैन, हु हेट दी मैरिज, सो यहाँ पर हो गया हेटर ऑफ मैरिज। एसेटिसिज्म डेफिनेटली वन है इसका, जो अकेलेपन को ही ज़्यादा प्रेफर करता है, उसकी मतलब अकेले में बैठ के चिंतन करता है। फिलेंथ्रोफी, फिला मीन्स मतलब प्रेम करना, एंथ्रोफी मीन्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से बड़ा ही प्यार करता है, तो फोर्थ का डी हो गया। एड्रोइटनेस, एड्रोइटनेस मैंने आपको गोश बताया था, गोश के साथ में उसका आपको उसका अपोजिट बताया था एड्रोइट। एड्रोइट मीन एक गोश, एक गोशरी होता है, एक एड्रोइटनेस होता है, तो एड्रोइट गोशरी होता है जिसमें अकल नहीं होती, गोशरी होता है जिसमें अकल नहीं होती, एड्रोइटनेस होता है जो मतलब बहुत चतुर होता है, चतुरता पूर्वक किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, तो एड्रोइटनेस चीज बी हो गया हमारे सामने। नेक्स्ट, पॉलीगाइनिस्ट या पॉलीजेनिस्ट आप जो भी बोलो, पॉलीगाइनिस्ट। ओके पॉलीजेनिस्ट, पॉलीजेनिस्ट, पॉलीजेनिस्ट में पॉली कुछ भी नहीं, मतलब पॉलीजेनिस्ट ही बोलना इसको। पॉलीजेनिस्ट हो गया हमारे सामने, पॉली हो गया बहुत सारी, और जेनिस हो गया वुमेन, तो एक व्यक्ति की जिसकी बहुत सारी वाइफ्स हो। ओके तो हमारे सामने हो गया इसका सी, देखिए मेल विद ए प्लुरिटी ऑफ वाइफ्स, क्लियर। पॉलीएंड्रिस्ट, ओके पॉलीएंड्री मीन वही, पॉली मीन्स मैनी, एंड्रिस्ट मीन मेल, वन ए वुमन हैज मैनी हस्बैंड्स। ओके ये रहा सेकंड का हो गया हमारे पास ई, फीमेल विद ए प्लुरिटी ऑफ हस्बैंड्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोमीन, एंथ्रोमीन मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, तो ये हो गया हमारे सामने ए। गैनिकोलॉजिस्ट, गैनिकोलॉजिस्ट कौन करता है, जो वुमेन ऑफ डॉक्टर, वुमेन्स डॉक्टर, वुमेन्स डॉक्टर। ओके फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया हमारे सामने वन हु इंगेज इन चैरिटेबल वर्क, ओ क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके अब आपको बस ये बताना है कि यस और नो कौन सा सही है। कैन एम्बिडेक्स्ट्रस पीपल यूज इधर दी लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली वेल, यस। क्या एक एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन अपने दोनों है दोनों हाथ लेफ्ट और राइट, क्या दोनों हाथ अपने एक साथ इक्वली यूज कर सकता है, यस और नो में, तो आपका जवाब होगा यस, दोनों ही हाथ वो इजी इक्वली स्किल से मतलब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, शुड ए सर्जन बी मैनुअली डेक्स्ट्रस, यस शुड ए मैनुअली डेक्स्ट्रस ही होता है, यस। इज ए सिंस्टर लुकिंग पर्सन फिटनिंग, यस। एक जो सिंस्टर पर्सन क्या होता है, जो मतलब ईवल, जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है, तो फिटनिंग यानी एक ड्रा मतलब नुकसान पहुंचाने वाला ही लगता है, तो इसका जवाब भी हो गया आपके सामने यस। इज गोशरी ए सोशल एसेट, ए गोशरी ए सोशल एसेट, नो। एक गोशरी क्या होता है, जो मतलब कि एक भद्दापन होता है एक तरीके से, तो ये नो हो गया हमारे सामने। इज एन एड्रॉइट स्पीकर लाइकली टू बी सक्सेसफुली लॉयर, यस। इसका आपके सामने हो गया यस। ये देखो आपको ये सिचुएशन पढ़नी है और सिचुएशन पढ़ के आपको आंसर देना है, ये नहीं कि जो मैं करा रहा हूँ उस पीछे पॉज करके वीडियो, आपको सिचुएशन पढ़नी है और सारे करने हैं,
मेरा काम यहाँ सिर्फ आपको बताना, वहाँ पर आंसर देना है। मैं ऑलरेडी ये चीज़ें मतलब समझा चुका हूँ, यहाँ पे हिंदी बता सकता हूँ। यहाँ पे इज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्ट इन प्रिमिटिव ट्रिब्स। आके बताओ क्या एक स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी का इंटरेस्ट रखता है प्रिमिटिव यानी प्राचीन ट्रिब्स में, ट्राइब्स? यस, बेशक करेगा, क्योंकि वो मैनकाइंड से प्यार करता है, तो वो हर एक मैनकाइंड के मतलब उसमें इंटरेस्टेड होगा, यस होगा। डज ए गायनेकोलॉजिस्ट हैव मोर मेल देन फीमेल पेशेंट? क्या आप बताओ गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या मेल पेशेंट ज़्यादा होंगे या फीमेल पेरेंट्स ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली फीमेल पेरेंट्स पेशेंट्स उसके पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसका जवाब हो गया नो। क्लियर? यहाँ पे ये सिचुएशन गलत है, ये मतलब ये लाइन, ये स्टेटमेंट गलत है। और इज मोनोगैमी ऑफ द कस्टम इन वेस्टर्न कंट्रीज? ओके, जो बुक में दिया गया है उसका जो जवाब तो इसमें यस है, यस है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में कहाँ एक मोनोगैमी होती है यार, वहाँ तो बहुत सारी होती हैं। मतलब कि या तो वो एक को तलाक दे देते होंगे, फिर सेकंड के साथ रहते हैं, ये तो उस हिसाब से यस, लेकिन वहाँ मोनोगैमी तो बहुत कम है, वो करते ही नहीं है। तो आपको देखना है, ये तो देख लेना। इज ए मिसोगैमिस्ट लाइकली टू शो टेंडेंसी टुवर्ड पॉलीगैमी? ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट ए पर्सन हु हेट द मैरिज? तो क्या एक जो शादी से नफरत करने वाला व्यक्ति, शो टेंडेंसी, टेंडेंसी मीन्स झुकाव, क्या वो झुकाव दिखाता है पॉलीगैमी के प्रति? यानी पॉलीगैमी मीन्स हु लव हु हैज मैनी मैरिज, मतलब एक पर्सन की जिसकी बहुत सारी वाइफ हो, या एक फीमेल जिसकी बहुत सारे हस्बैंड्स हो। तो जाहिर सी बात है जो मिसोगैमिस्ट होगा वो कहाँ से इतनी सारी शादियाँ करेगा? तो इसका जवाब हो गया नो। इज ए बायोगैमिस्ट ब्रेकिंग द लॉ? यस ऑब्वियसली। नेक्स्ट, इज ए फिलेंथ्रोपिस्ट जनरली अल्ट्रुइस्टिक? क्या ओके, फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन क्या होता है कि फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन जो मैनकाइंड से प्यार करता है, और अल्ट्रुइस्टिक पर्सन के लगभग जनरली सेम ही होता है, तो यस हो गया आपके सामने। नेक्स्ट, डज ए मिसेंथ्रोपिस्ट एंजॉय ह्यूमन रिलेशनशिप? ओके, ए पर्सन हु हेट द मैनकाइंड, हाउ कैन ही एंजॉय द ह्यूमन रिलेशनशिप? सो इन 12th द वर्ड आंसर इज नो। एक एक व्यक्ति जो मतलब नफरत करता है मैनकाइंड से, वो कैसे मतलब लोगों से मतलब ये बता रहा है कि रिलेशनशिप रख सकते हैं? तो इसका आंसर हो गया आपके सामने नो। डज ए मिसोजेनिस्ट एंजॉय फीमेल कंपेनियनशिप? ओके, पहले से नफरत करता है जो औरतों से, वो कैसे फीमेल की कंपनी को बर्दाश्त करेगा? तो इसका आंसर हो गया आपके सामने नो। आर अनमैरिड पीपल नेसेसरली मिसोगैमियस? आर अनमैरिड पीपल नेसेसरी मिसोगैमियस? ये पूछ रहे हैं कि ज़्यादातर जो अनमैरिड होते हैं वो क्या शादी से नफरत करते हैं? ये डिपेंड नहीं करता है यार, वो उनकी उनकी अलग रीज़न हो सकते हैं। सो ये जरूरी नहीं होता कि अनमैरिड पर्सन क्या होते हैं, वो मिसोगैमियस होते हैं। सो इट इज़ रॉन्ग। आर बैचलर नेसेसरी मिसोगैमियस? ओके, इसका आंसर इन्होंने दे रखा था यस, क्योंकि भी बैचलर्स को नेसेसरी होना चाहिए एक बार औरतों से नफरत करनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज द, सो मे बी दिस इज रॉन्ग इन द दैट बुक। सो व्हाट इज द योर आंसर, ये आपको खुद सोचना है, देख लो, सोच विचार कर लो कि बैचलर को कैसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नो ही हो सकता है इसका आंसर। तो ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द एसेटिसिज्म कंपेटिबल विद लग्जरी लिविंग एंड परस्यूट ऑफ प्लेजर? क्या एक एसेटिसिज्म, एसेटिसिज्म होता है एक सन्यासीपन, क्या वो एक लग्जरी लाइफ के साथ कंपेटिबल होता है, और वो पीछा करता है प्लेजर यानी सुख का? या ये या स्टेटमेंट गलत सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि एसेटिसिज्म तो सन्यासी बंदा होता है जो अकेला रहना ही पसंद करता है, और इतना ही खाता है जिसका उसका मतलब सोल और बॉडी एक साथ मतलब रह सके साथ में, बस इतना ही। डज ए पॉलीएंड्री हैव मोर देन वन हस्बैंड? यस, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, अब आपको यहाँ वर्ड्स लिखने हैं, मतलब कि फिलोसफी ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेली, मतलब कि एक फिलोसफी, मैंने आपको वहाँ पे फिलोसफी भी करवाई थी, आपको याद भी हो, प्रैक्टिस करवाई, मैन एक पर्सन करवाया था, फिर आपको फिलोसफी करवाई थी, फिर उसी के साथ में मैंने आपको एडजेक्टिव कराए थे। तो आपको यहाँ फिलोसफी लिखनी है, ना कि वो पर्सन लिखना है। ओके, फिलोसफी क्या होगी, आपको वीडियो पॉज करो और हर एक भर के देखो यहाँ पे। चलिए फिर स्टार्ट करें। ओके, फर्स्ट में आएगा एसेटिसिज्म। ओके, ये एसेटिसिज्म क्योंकि फिलोसफी है, मैंने आपको बताया था वहां पे एसेटिसिज्म एक फिलोसफी, एक प्रैक्टिस है जो की जाती है। तो स्पेलिंग क्या होगी, ASCETICISM, एसेटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट, हेटेड ऑफ वुमेन, जो वुमेन से नफरत करता है क्या होगा, मिसोजेनी, मिसोजेनी।
MISOGYNY, ओके, हेटेड ऑफ मैरिज, जो वो शादी से नफरत करता है, मिसोगैमी, यहाँ ये आएगा, ओके, हेटेड ऑफ मैनकाइंड, मिसेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोपी, ओके, हेटेड ऑफ मैनकाइंड हो गया, ओके, स्किलफुल, आपको डेक्स्ट्रस पढ़ना है, DEXTERROUS, आपको ये ध्यान रखना था, उसमें एम्बिडेक्स्ट्रस में आर पहले आता है, ये मतलब ई नहीं आता, उसके बाद टी के बाद आर ही आ जाता है, ऑकवर्ड, अच्छा ऑकवर्ड क्या होता है, ओके, ऑकवर्ड क्या होता है, गॉश, जी ओ नहीं होता, GAUCH, गॉश, ओके, इवल एंड थ्रेटनिंग, सिनिस्टर, SINSTER, नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग हेटेड ऑफ वुमेन, हमें एडजेक्टिव देना है, एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, मिसोजेनियस, और एक और वहां पे आपको देना, मिसोजेनियस, GYNOUS, मिसोजेनियस, और एक और देना है, मिसोजेनिस्टिक, मिसोजेनिस्टिक, ओके, मिसोजेनिस्टिक, डिस्क्राइबिंग होगा स्किल, स्किल में आपको क्या देखना है, एड्रॉइट, ऐसे एड्रॉइट, वही हम उसने बताया है, तो एड्रॉइटनेस, एड्रॉइट करें या एड्रॉइटनेस, स्किल तो नाउन हो गया ना, स्किल तो नाउन हो गया, और उसमें नाउन था एड्रॉइटनेस, हाँ ओके, हम यहाँ करेंगे एड्रॉइटनेस, क्योंकि हमें नाउन लेना है यहाँ पे, पर्टेनिंग टू हेटेड मैरिज, एडजेक्टिव देना है, यहाँ पे एडजेक्टिव देना है हमने, तो क्या आएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव, मिसो गेम, यस ओके, ओ यू एस लगाने हैं, MOUS, मिसो गेम, हमें देना है पर्टेनिंग टू हेटेड मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता है, मिसेंथ्रोफिक, मिसेंथ्रोफिक, ओके, नेक्स्ट, सोशल कस्टम ऑफ प्लूरल मैरिज, ओके, एक तो बहुत सारे इसके वर्ड हो गए, पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, जो भी आप चाहो वो, मतलब कि एक तो पॉलीगैमी हो गया, पॉलीगैमी, एक हो गया, ओके, पॉली एंड्रिस, पॉलीएंड्रिस, पॉलीएंड्री, और एक हो गया पॉलीजिनी, ओके, नेक्स्ट, अनलॉफुल स्टेटमेंट ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, बायगैमी, ओके, बायगैमी, MIA, डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन फीमेल डिसऑर्डर, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, नेक्स्ट इज, ये तो हो गया ना, कस्टम ऑफ वन मैरिज एट ए वन टाइम, मोनोगैमी, नेक्स्ट वन इज वन हु हेट द ह्यूमन रेस, ओके, मिसेंथ्रोफिस्ट, और एक और देना है हमने, मिसेंथ्रोफिक, मिसेंथ्रोफिस्ट, मिसेंथ्रोफिस्ट, मिसेंथ्रोफिक, एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल, ये आ गया एमबी डेक्स्ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस, या एम्बिडेक्सटरिटी, आप कुछ भी बोल सकते हो, एम्बिडेक्सटस, एक एम्बिडेक्सटस हमने कहीं यूज नहीं किया, क्लियर, यहाँ पे ये हो गया हमारे सामने वर्ड, ओके, ये भी बचे हुए हैं थोड़े बहुत और हैं, अभी ये अच्छी एक और एक्सरसाइज रहती है इसके बाद, हाँ बस खत्म हो जाती है, इसमें आपको और थोड़ा स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा ना, स्टडी ऑफ मैन, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो, एंथ्रोपोलॉजी, क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी, ओके, नेक्स्ट इज वन हु लव मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपी, PH आएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट,
ओके यहाँ पे स्किल इन द यूज इन बोथ हैंड, स्किल, अब यहाँ पे स्किल की बात आ रही है तो हमें एक नाउन देना पड़ेगा। ओके यहाँ पर आएगा एमबी डेक्सटेरिटी, क्लियर, यहाँ पे ये हो गया आपके सामने नाउन। अब आपको ये फिर से चैप्टर रिव्यू करना है पूरा का पूरा जो आपने कर रखा था। डू यू रिकॉग्नाइज दी, आपको जो मतलब तीन जो मैंने सेशन करा दिए, सीजन करा दिए, उसी का ये आपको पूरा करना है। पुट सेल्फिश डिज़ायर फर्स्ट, जो अपनी डिज़ायर को पहले रखे, अपनी इच्छा को पहले रखे, क्या होता है इगोइस्ट। इन सेल्फ एनालिटिक, जो खुद का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है वो क्या होता है इंट्रोवर्ट। ओके हेट वुमेन, जो वुमेन से नफरत करता है मिसोगैनिस्ट। ओके वन वंस अदर सेल्फ, एक अपने ही जैसा दूसरा एल्टर ईगो, यू नो ऑकवर्ड क्लमजी। ओके ऑकवर्ड एड्रॉइट नहीं होता, डेक्स्टस नहीं होता, तो गॉश। प्लूरल मैरिज एज ए कस्टम। ओके पॉलीगैमी। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी, इजी है बिल्कुल। प्लूरिटी ऑफ हस्बैंड एज ए कस्टम, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री बोलेंगे उसे, पॉलीजेनी नहीं बोलेंगे, पॉलीजेनी नहीं बोलेंगे, मिसोजेनी नहीं बोलेंगे, पॉलीएंड्री। ओके क्लियर, नेक्स्ट। अब आपको बताना है कि मीनिंग यहाँ पे क्या बना, जैसे कि ईगो हो गया तो ये इगोइस्ट बना, इगोइस्ट बना, ये बीच में क्या लगा है, मतलब सेल्फ लेके बना ना इगोइस्ट। ओके सेल्फ, नेक्स्ट इज एल्टर, एल्टर का मीनिंग क्या होता है आपको वो बताना है। एल्टर का मीनिंग क्या होता है, एल्टर का मीनिंग होता है अदर। ओके वर्टो का मीनिंग क्या होता है टू टर्न, ये हमने किया था आज ही, ये तो ये हम पहले कर चुके हैं, टू टर्न। मैसिन टू हेट, एंथ्रोस, एंथ्रोप हो गया हमारे सामने मैनकाइंड। नेक्स्ट वन इज जेन, जेन हो गया हमारे सामने वुमेन। गैमोस हो गया मैरिज। ओके सेंट्रम, ये हो गया हमारे पास सेंटर। और डेक्स्टर, डेक्स्टर हो गया हमारे सामने राइट हैंड। ड्रॉइट हो गया हमारे सामने राइट हैंड, क्योंकि हमने उसको फ्रेंच में देखा था, वो भी राइट हैंड ही होता है। मोनोज, ये मोनोज हो गया हमारे सामने वन। एंड्रोज हो गया हमारे सामने मेल, क्लियर। यहाँ पे ये हमने मीनिंग ही देने थे यहाँ पे, क्लियर। ये तो थी आपकी प्रैक्टिस छोटी सी, और ये वीडियो बस मतलब कि जिसने पहले देख रखी थी उन्हीं के लिए है। आई होप सो आप लोगों ने ये प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, और वही सेम टू सेम चीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।